हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ान VPN एप्लीकेशन क्या है और आप कैसे यूज करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए आपको यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। हमने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको इस पर टैप करना होगा। टैप हो जाने के बाद यह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है और आप इस तरह से इंटरफेस देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना होगा, हमारा नेट अभी स्लो चल रहा है। तो आपको इस प्रकार से ऐड आएगा, ऐड को देख लेना होगा और कट कर देना होगा और आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं क्लिक मी का ऑप्शन, आप उस ऑप्शन पर टाइप करके VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमें इस VPN में अभी सर्वर नहीं देखने को मिला है, तो आपको ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। टैप हो जाने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है और आप देख सकते हैं स्विच रीजन, इनबॉक्स, अपलोड लॉक्स, 5 स्टार रेटिंग आप यहां से देख सकते हैं। तो सिंपली हम स्विच रीजन वाले ऑप्शन पर टैप कर देते हैं। टैप हो जाने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं फुल मास्क सर्वर, फुल स्पीड सर्वर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी एक सर्वर को सेलेक्ट करना रहता है और आप देख सकते हैं ऑटो सेलेक्ट है, हांगकांग सर्वर दे सकते हैं, टाउन दे सकते हैं, सिंगापुर सर्वर दे सकते हैं, इंडिया दे सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम दे सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट आप यहां दे सकते हैं। आपको इस तरह से अलग अलग सर्वर देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम किसी एक सर्वर को सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर हम टाइप कर देते हैं। इंडिया सर्वर हमारा सेलेक्ट हो चुका है इस तरह से, तो आप इस तरह से सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम यहाँ पर VPN कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं कि यह VPN किस तरह से कनेक्ट होता है। तो सिंपली हम क्लिक मी वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आपको इस तरह से परमिशन मांगेगा, आपको ऑलवेज अलाउ कर देना होगा। अलाउ हो जाने के बाद आप यहां से देख सकते हैं हमारा VPN कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। और आप देख सकते हैं एसिलेटर, लोकल नेटवर्क दे सकते हैं, पर्सनल डाटा इनक्रिप्टर दे सकते हैं। और आपको इस तरह से छोटा सा ऐड आ जाता है, ऐड को देख लेना होगा और देख के कट कर देना होगा। फ्रेंड कट हो जाने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है टिप्स, आपको यहाँ पर रीड कर लेना होगा या टिप्स और आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं योर VPN इज नाउ कनेक्टेड टू योर, इस प्रकार से आपको रीड करके जानकारी मिल जाती है और आपको ऐड आएगा, ऐड को देखना होगा और कट कर देना होगा। और आप देख सकते हैं टाइम, आपको यहाँ पर यह जानकारी मिल जाती है कि आप VPN को कितने घंटों तक यूज कर रहे हैं, कितने समय तक यूज कर रहे हैं, आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। और आप नीचे दे सकते हैं ऑप्शन, उस ऑप्शन पर आपको टाइप करना होगा तो आपको ऐड आ जाता है, यहां से आप ऐड ही देख सकते हैं। तो आपको हम VPN डिस्कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं। तो सिंपली डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही टाइप करेंगे आपको छोटा सा ऐड आएगा, ऐड को देख लेना होगा और देख के कट कर देना होगा। और आप देख सकते हैं हमारा VPN कुछ इस तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है और आप इस VPN को वन टैप में ही कनेक्ट कर सकते हैं और वन टैप में ही डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी।